Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. नादिया ने सटपटा कर कहा, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ताहिर ने आगे से सफाई पेश करते हुए कहा, अरे नादिया, याद है ये 6 माह पहले सीढ़ियों से गिर गया था? हो सकता है इसे उसी वक्त चोट लग गई हो, पर ये तो फौरन उठकर हंसने खेलने लगा था। इसने कोई शिकायत नहीं की तो हमें भी यही लगा कि सब कुछ ठीक है और हमने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों को तो खेलते कूदते चोट लग ही जाती है ना। इस वजाहत पर डॉक्टर महनाज को शक हुआ। मिस्टर ताहिर, ये निशान बता रहा है कि चोट काफ़ी गहरी थी। बुरहान को दर्द नहीं हुआ, ये तो बहुत गैर मामूली बात है। और इसी जगह दोबारा चोट लगना, आज फिर से फ्रैक्चर हो जाना, ये बहुत अजीब बात है। इस गुफ्तगू के बीच अचानक जिब्रान ने कहा, बुरहान का हाथ इतना ठंडा क्यों हो रहा है? क्या बर्फ़ लगाने की वजह से? इस जुमले ने सबको जिब्रान की तरफ मुतवज्जो कर दिया, जो बुरहान के हाथ पर हाथ रखे खड़ा था। इस पर नादिया उसे डांटते हुए बोली, जिब्रान फौरन हाथ हटाओ, मैंने मना किया था ना आपको। डॉक्टर महनाज ने बुरहान के हाथ का जायजा लेते हुए कहा, कैपिलरी रिफ्लेक्स में डिले हो रहा है, खून की रवानी रुक रही है, हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें फौरन सर्जरी करनी होगी। वक्त ज़ाया किए बिना नर्सेज ने फौरन बुरहान को सर्जरी के लिए तैयार किया। डॉक्टर महनाज ने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को इत्तला दी और वो लोग फौरन बुरहान को ओटी में ले गए। जब डॉक्टर महनाज नादिया, ताहिर और जिब्रान को वेटिंग एरिया में बिठा कर आईं, तो उन्हें इस बात पर तो पूरा यकीन था कि बुरहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन नादिया और ताहिर की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अपनी हिस पर भरोसा करते हुए डॉक्टर महनाज ने तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर दानियाल, कैसे हैं आप? क्या मैं आपसे एक केस के सिलसिले में बात कर सकती हूँ? सफ़ेद कोट और चश्मा लगाए डॉक्टर दानियाल अपने कैबिन में फाइलों से घिरे हुए थे। वो डॉक्टर महनाज को देखकर मुस्कुराए, उन्हें अंदर बुलाया और फिर पूरी तवज्जो के साथ सारा मामला सुना। बात मुकम्मल होने पर डॉक्टर दानियाल ने पूछा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है? डॉक्टर महनाज ने बताया, डॉक्टर दानियाल, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये लोग हमसे ज़रूर कोई बात छुपा रहे हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि बुरहान को ये चोट आज सुबह नहीं बल्कि कम से कम 24 घंटे पहले लगी है, क्योंकि इतनी सूजन और ब्लड सर्कुलेशन का इशू इतना जल्दी नहीं होता। नादिया ने बताया था कि वो पार्क में साइकिल से मुंह के बल गिर गया था, मगर उसकी दोनों हथेलियों और घुटनों पर गिरने की वजह से रगड़ या फिर छिलने के कोई निशान नहीं थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा सीढ़ियों से गिर जाए, उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए और उसे पता भी ना चले? और जब मैंने ये सारे सवाल पूछे तो वो दोनों बहुत घबरा गए थे। मैंने एक और बात नोटिस की, नादिया ने बताया कि उसे पिछले हफ्ते किचन में काम करते हुए उंगलियों पर एक मामूली सा कट लग गया था, तो फिर उसने अभी तक पट्टी क्यों बांध रखी है? ऊपर से ताहिर का एक्सरे वाली बात पर नादिया को यूं डांटना, ये सब कुछ बहुत बहुत अजीब है। मुझे खदशा है कहीं एक घरेलू तशद्दुद का मामला ना हो। डॉक्टर महनाज के शको शुबात सुनने के बाद डॉक्टर दानियाल ने पूछा, इस वक्त ये सब लोग कहाँ हैं? डॉक्टर महनाज ने बताया, बुरहान इज़ इन सर्जरी राइट नाउ, फैमिली वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही है। डॉक्टर दानियाल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं फैमिली से मिलना चाहता हूँ, झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता, अगर कोई बात है तो सामने आ ही जाएगी। डॉक्टर महनाज इस बात पर डॉक्टर दानियाल को उन लोगों से मिलवाने के लिए ले गईं। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।